ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर नुहू जिले से किसान व सामाजिक संगठन से जुड़े लोग बड़ी संख्या में पचगांव पॉइंट पर पहुंचेंगे। आगामी 26 नवंबर को अपने ट्रैक्टर इत्यादि वाहनों से किसान पचगांव पहुंचकर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। केंद्र सरकार से नए 3 कृषि कानून वापस लेने या फिर इसमें बदलाव करने की मांग किसान रखेंगे। किसान संगठनों से जुड़े लोगों का कहना है कि देश भर के किसान इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं और केंद्र सरकार पर कानून वापस लेने या उसमें बदलाव करने की आखिरी पड़ी कोशिश हो सकती है। सोमवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस नुहू मेवात में मेवात के किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, मेवात विकास सभा तथा जय किसान आंदोलन से जुड़े किसान व समाज सेवियों ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि इस बार दिल्ली में 5 रास्तों से देश भर के किसान एंट्री करेंगे। उन्होंने कहा कि किसान की पूरी तैयारी है, अगर पुलिस इत्यादि ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो किसान वहीं पर बैठ जाएंगे। कुछ किसान नेताओं का यह भी कहना है कि पुलिस के जवान किसानों के परिवार से ही हैं, इसलिए केंद्र सरकार किसान परिवार से संबंध रखने वाले पुलिस वालों और किसान को आपस में लड़ाना चाहती है, लेकिन ऐसी सूरत पैदा ना होगी। किसान यही हर संभव प्रयास करेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार इन बिलों को किसान के हित में पता रही है, लेकिन किसान संगठन लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद खेड़ी कंकर खेड़ी किसान नेता ने कहा कि सत्ताधारी भाजपा की तरह ही विपक्ष की पार्टियां भी किसान के साथ नहीं हैं। अगर वह किसान के साथ होते तो न केवल किसान के साथ मजबूती से खड़े हुए दिखाई देते, बल्कि इन बिलों को बनने ही नहीं देते। कुल मिलाकर किसान व केंद्र सरकार एक बार फिर आमने सामने हैं। केंद्र सरकार इन बिलों को वापस लेने या बदलाव करने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है, तो किसान भी सरकार के चूल्हे हिलाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते। अब देखना यह होगा कि आगामी 26 नवंबर को कितने किसान दिल्ली में प्रवेश कर पाते हैं या फिर उन्हें दिल्ली की सीमा से पहले ही पुलिस के जवानों द्वारा रोक दिया जाएगा। पुलिस बता दें, परंतु इतना जरूर है कि आने वाले 2-3 दिन किसान सरकार के लिए बिल्कुल भी राहत देने वाली नहीं है, क्योंकि लगातार कई राज्यों में किसान इन बिलों के खिलाफ धरना प्रदर्शन इत्यादि लगातार कर रहे हैं और उनका गुस्सा उबाल पर है। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। ये देश में जो कृषि अध्यादेश जारी किए थे केंद्रीय सरकार ने, जो बनाए थे, किसान विरोधी हैं। किसान ऐसा समझता है कि वो किसान विरोधी हैं, उनको लेकर पिछले 2-2.5 महीने से किसान सड़कों पर आंदोलित हैं और आखिरी कोशिश के तौर पर देश की राजधानी दिल्ली को घेरने के लिए 5 रास्तों से किसान आ रहे हैं और 26 तारीख को एक बड़ा घेराव, बड़ी कोशिश, बड़ा आंदोलन करने की रूपरेखा है, जिसके लिए मेवात में क्या तैयारियां हैं, किस तरह से होगा और हम पचगावा चौक पे जो मोर्चा बनाया है उसको हम किस तरह से सक्सेस बना सकते हैं, उसको किस तरह से बड़ा रूप दे सकते हैं, उसके लिए आज हम यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मेवात से अगर किसानों की बात करें तो इस कार्यक्रम में कितने किसान भाग लेंगे, क्या तैयारी की गई है? हमारे यहाँ पर 4 बड़े संगठन हैं जो ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हैं, जिन्होंने समर्थन दिया हुआ है। उसमें भारतीय किसान यूनियन टिकेट, भारतीय किसान यूनियन मुंडाखेड़ा, मेवात विकास सभा, मेवात किसान यूनियन और जय किसान आंदोलन का जिला मोर्चा जो है मेवात का। देखिए, मैं भारतीय किसान यूनियन, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी हैं, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी हैं। हमारे पास जो कॉल है वो 26 तारीख को दिल्ली का घेराव करने की कॉल है और ये विषय यह है कि आज की जो सरकार है, इस सेंट्र सरकार ने जो 3 काले कानून लेकर आई है, इनको ये सरकार या तो वापसी ले या इसमें थोड़ा सा करेक्शन करे। MSP की बात है,
मंडी खत्म होने की बात है। हमारा ये विषय है कि दिल्ली का घेराव हम करेंगे। MSP की बार बार सरकार बात कहती है, तो उसका एक छोटा सा लफ्ज है कि उस पर MSP के अलावा अगर खरीद होती है तो उसको अपराध की श्रेणी में लाया जाए, MSP को रिटर्न में लिख के दे दिया जाए। हमारा और कोई मतलब ऐसा आंदोलन नहीं होगा, सिर्फ ये दिल्ली का घेराव की बात है। और पूरी जोर शोर से मेवात बढ़ चढ़ के पचगावा पहुँचेगी और दिल्ली का घेराव करेगी। देखिए, मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, सरकार मेरी समझ में नहीं आती क्यों कहती है कि ये फायदेमंद है किसान। मैं किसान हूँ, मुझे पता है कि ये किसान की बर्बादी की निशानी है। मैं किसान की हैसियत से कह रहा हूँ कि हमें इस बिल की जरूरत नहीं है। रही बात आप जो कह रहे हो कि विपक्ष बार बार हमला कर रहा, अगर विपक्ष इस पे हमला करे तो सरकार की ताकत नहीं है इस बिल को वापसी ना ले, इस बिल बनाने की ताकत नहीं थी। विपक्ष की भी ही इन्हीं के साथ साथ गए थे। विपक्ष अगर किसान का हितेशी है तो विपक्ष को भी इसी तरह खड़ा होना पड़ेगा जिस तरह किसान आज दिल्ली का घेराव करने 26 तारीख को जा रहा। देखिए, मेवात विकास सभा, ये सही बात है कि मेवात के मुद्दों को उठाता रहा है, लेकिन जो देश के मुद्दे हैं और उनसे अगर हम भी प्रभावित होते हैं, मेवात भी प्रभावित होते हैं, तो हम उनमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये जो कानून जो किसान के खिलाफ कृषि अध्यादेश जो सरकार लाई है, इसमें 3 पॉइंट ऐसे हैं जिनके खिलाफ मेवात का किसान भी है। और जो राष्ट्रीय लेवल पर जो संघर्ष समिति बनी है, मेवात विकास सभा उसमें भी हिस्सेदार है, उसका एक पार्ट है। और जो पिछले 2-2.5 महीने जो आंदोलन चल रहे हैं पूरे हरियाणा और पंजाब में, उनमें भी मेवात विकास सभा ने अब तक हिस्सा लिया है। और जब हम भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, हमारे किसान भी इससे प्रभावित हो रहे हैं, तो मेवात विकास सभा की जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इलाके के किसानों के लिए ये लड़ाई लड़ें। इसलिए हम इस समन्वय समिति के साथ हैं और पूरे जोर शोर से साथ हैं, और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा हम इस लड़ाई में पूरी हिस्सेदारी निभाते रहेंगे। देखिए, किसान जो है, सरकारों की जो नीयत है वो ऐसी है कि पुलिस में जो जवान होते हैं वो भी किसानों के हैं और किसान ही आंदोलन कर रहा है। इनको आपस में लड़ाने और भिड़ाने का प्रयास सरकार का होता है, लेकिन इस बार जो है ऐसा कोई नहीं है कि हमें पुलिस रोकेगी, क्योंकि पचगावा हमारे बहुत नज़दीक है, लोकल में हम किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। और किसान जाएगा किससे? किसान के पास अपने ट्रैक्टर हैं, अपने दूसरे साधन हैं जिनसे वो खेती करता है, उन्हीं साधनों से वो वहाँ तक पहुँचेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि किसानों के लिए कोई गाड़ी देने का इंतजाम हुआ हो, कोई बस का इंतजाम हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसान अपनी मर्जी से अपने साधनों से वहाँ पहुँचे।